Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. You are learning English with B.M. Sharma. Guys, we are reading Class 12 English book Rainbows, Lesson 5, India's Gifts to the World. 2. Purity is Power, that is written by Dr. K. Subramaniam. Purity is power. Purity यानी पवित्रता, साफ स्वच्छता जिसको हम कहते हैं, is power, वो शक्ति है. पवित्रता ही शक्ति है. Purity is strength, is said by स्वामी विवेकानंद. तो स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि पवित्रता ही शक्ति है, purity is strength. तो के सुब्रमण्यम ने इसी पर अपना एक निबंधात्मक पाठ लिखा है. इसे हम समझते हैं कि पवित्रता से किस प्रकार से हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, शारीरिक, मानसिक या जो भावनात्मक हमारे अंदर शक्ति है. स्वामी विवेकानंद कहा करते थे हमारे पास तीन तरह की पावर्स हैं, बॉडी पावर, माइंड पावर एंड एक होती है इमोशनल पावर, जिसे हार्ट की पावर कहते हैं, विल पावर कहते हैं. तो अब समझते हैं इस बात को हम. जस्ट कॉन्सेंट्रेट योर अटेंशन ऑन वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस सेंटेंस ट्रांसलेशन सो दैट वी कैन जस्ट परफेक्टली टेक द एसेंस ऑफ द लेसन इन अ प्रॉपर वे. सी, वी वांट प्योरिटी, हमें पवित्रता चाहिए. प्योर फूड, पवित्र भोजन चाहिए. प्योर वाटर, पवित्र पानी चाहिए, जल चाहिए. प्योर एयर, पवित्र वायु चाहिए, यानी साफ सुथरी गंदगी रहित, इस तरह से बिल्कुल पवित्र चाहिए. वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स. लॉन्ग फॉर होता है किसी चीज की इच्छा करना. प्योर सराउंडिंग्स, हमें पवित्र आसपास के वातावरण की इच्छा रखते हैं हम. वी यर्न फॉर, यानी हम इच्छा रखते हैं प्योर हार्ट एंड प्योर लव, पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम की हम इच्छा रखते हैं. पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम हम चाहते हैं. वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट, हम पवित्र वातावरण को प्राथमिकता देते हैं. एंड प्योर सोसाइटी, पवित्र समाज को हम प्राथमिकता देते हैं. वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम पवित्रता के शौकीन हैं, यानी पवित्रता हमारे मन को बहुत भाती है. बिकॉज, क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, पवित्रता ही स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है. इम्प्योरिटीज, जो अपवित्रताएं हैं, गंदगियां हैं, अपवित्रताएं हैं, इम्प्योरिटीज आर इंजरियस टू हेल्थ, अपवित्रताएं स्वास्थ्य के लिए इंजरियस हैं, हानिकारक हैं. प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, पवित्रता हमें मस्तिष्क की शांति प्रदान करती है. इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और अपवित्रताएं हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को इम्पेयर करती हैं, कमजोर करती हैं, क्षति पहुंचाती हैं. बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, दोनों शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें पवित्रता की आवश्यकता है. वी डू रिक्वायर, और हम मांग भी करते हैं एनवायरमेंटल प्योरिटी, यानी हम पर्यावरण की पवित्रता चाहिए हमें. फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें पर्यावरण की जो पवित्रता है उसकी हम मांग करते हैं, वो हमें चाहिए ही चाहिए. इसका कहने का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्सन शुड बी प्योर, आदमी से जुड़ी हुई हर एक चीज पवित्र होनी चाहिए. प्योरिटी ऑफ बॉडी, यानी हमारे शरीर की पवित्रता इज फिजिकल हेल्थ, वही है शारीरिक स्वास्थ्य. शरीर की पवित्रता ही शारीरिक स्वास्थ्य है. प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनशूलेड ट्रुथ, हमारे
स्पीच कहते हैं हमारे बोलने को, हमारे भाषण को। तो ये एक विकार रहित पवित्रता होती है। अंशुलिट का मतलब विकार रहित, जिसमें कोई गलत धारणाएं नहीं हों। तो हमारे वक्तव्य की, हमारे बोलने की पवित्रता विकार रहित सच्चाई है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। हृदय की पवित्रता ही निस्वार्थ प्रेम है। स्वार्थपूर्ण प्रेम हम मनुष्यों के अंदर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम हमें ईश्वर के नज़दीक लेकर के जाता है। तो हृदय की पवित्रता निस्वार्थ प्रेम है। प्योरिटी ऑफ थॉट, विचार की पवित्रता इज राइटियस रीजन। वही सही मायनों में रीजन कहते हैं बुद्धि को, रीजन कहते हैं हमारी तर्क शक्ति को। तो विचार की पवित्रता ही सही तर्क के सही बुद्धि है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। मस्तिष्क की पवित्रता ही कुल मिलाकर के पूरी की पूरी शांति है। मस्तिष्क में पवित्रता होगी तो शांति होगी। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर। कार्यों में पवित्रता ही हमारे अंदर की सिंसियरिटी है, हमारे अंदर की सच्चाई है। एंड अनसेल्फिश सर्विस, और निस्वार्थ सेवा है। मतलब कार्य की पवित्रता ही सच्चाई और निस्वार्थ सेवा है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, समाज की पवित्रता इज हार्मोनियस यूनिटी। हार्मोनियस यानी एक सामंजस्यपूर्ण एकता है। समाज की पवित्रता सामंजस्यपूर्ण एकता है, यानी समाज की पवित्रता से समाज में एक हार्मनी, एक सामंजस्य, एक रस्ता पैदा होती है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की जो पवित्रता है, इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब भी पवित्रता होती है। आत्म उत्थान वाली पवित्रता है। पर्यावरण की पवित्रता सोल कहते हैं हमारी आत्मा को। एलिवेटिंग का मतलब प्रकाशित करने वाली, आत्मा को प्रकाशित करने वाली पवित्रता है, या आत्म उत्थान की पवित्रता है पर्यावरण की पवित्रता। इन द महाभारत, महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। एक बहुत ही रुचिकर अध्याय है इसका। टू इलस्ट्रेट, समझाने वाला, व्याख्या करने वाला द नेचर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की प्रकृति को समझाने वाले एक बहुत ही रुचिकर अध्याय है महाभारत में। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसाइपल्स। पांडव और कौरव, जिनको हम कह सकते हैं एक तो धर्म के रास्ते पर चलने वाले पांडव, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले कौरव, ये दोनों ही गुरु द्रोण के डिसाइपल्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उनके शिष्य थे, चेले थे। देवर वंस समंड बाय प्रीसेप्टर द्रोणा। इनको एक बार समन यानी बुलाया गया, उनको बुलावा भेजा गया उनके लिए प्रीसेप्टर यानी गुरु द्रोणा के द्वारा, फॉर अ टेस्ट, एक परीक्षा के लिए। तो पांडव और कौरव दोनों ही समूह के लोगों को गुरु द्रोण के द्वारा एक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज युधिष्ठिर। पांडवों में जो एल्डेस्ट थे, सबसे बड़े भाई थे, पांडव यानी पांच भाई, इनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। उससे कहा गया कि अपने सोसाइटी या समाज में से एक बुरा आदमी लेकर के आओ। युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, उनको ये काम सौंपा गया कि समाज में आप एक बुरा आदमी ढूंढ करके लेके आओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज दुर्योधन। दुर्योधन का नाम सुनते ही एक विलेन जैसी इमेज हमारे दिमाग में बनने लग जाती है। एक विलेन जो खूंखार रहता था, हर समय विरोध के लिए उतारू रहता, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन विरोध करना है, अच्छा हो चाहे गलत विरोध करना है। दुर्योधन हालांकि बहुत शक्तिशाली भी था दुर्योधन, तो वो कौरवों में बड़ा भाई था, सबका एल्डेस्ट था। वॉज आस्क्ड, उससे कहा गया टू फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी। उसी समाज में से एक अच्छा आदमी ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया उससे। इन हस्तिनापुर, उनके राज्य का नाम था
हस्तिनापुर, हस्तिनापुर राज्य में एक तरफ पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को उसी समाज में से एक अच्छा आदमी ढूंढकर लाने को कहा गया, और उसी समाज में कौरवों के बड़े भाई दुर्योधन को एक, सॉरी, युधिष्ठिर से कहा गया कि तू समाज में से एक बुरा आदमी ढूंढ करके लाए, और दुर्योधन से कहा गया कि तू उसी समाज में से जो हस्तिनापुर का समाज है एक अच्छा आदमी ढूंढ करके ला। युधिष्ठिर एक अच्छा आदमी था खुद, जिसे बुरा आदमी ढूंढ कर लाने को कहा गया, और कौरवों के नाम से जैसा कि प्रसिद्ध था, दुर्योधन एक बुरा आदमी था, अधर्मी आदमी था, उससे अच्छा आदमी ढूंढ करके लाने को कहा कि समाज में अच्छा आदमी ढूंढ करके ला। उन दोनों के स्वभाव के विपरीत काम उनको बताए गए उनके प्रिसेप्टर द्रोणा के द्वारा। आफ्टर अ थरो सर्च, एक पूर्ण खोज, थरो मीन्स पूर्ण, पूर्ण खोज के बाद पूरी तरह खोजबीन कर ली उन लोगों ने अपने अपने काम की। बोथ द कजन्स, दोनों के दोनों चचेरे भाई, कजन्स हैं, चचेरे भाई हैं, रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ ही लौट आए। बहुत ज्यादा छानबीन, थरो सर्च बहुत ज्यादा पूर्ण तरह की गई, पूरी छानबीन के बाद दोनों ही चचेरे भाई वापस लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर, पवित्र मस्तिष्क का, पवित्र सोच वाला युधिष्ठिर, फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, उसको हर व्यक्ति पायस यानी पवित्र मिला, प्योर साफ सुथरा पवित्र छवि का व्यक्ति मिला, उसे हर कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन जिसका अपवित्र मस्तिष्क था, बुरा मस्तिष्क जिसका था, बुरी सोच जिसकी थी, अपवित्र सोच वाला दुर्योधन जो था, फाउंड एवरीवन टू बी इवल एंड इम्प्योर, उसे हर चीज इवल यानी बुराई भरी हुई, इम्प्योर अपवित्र दिखाई दिया हर व्यक्ति उसको, एवरीवन। एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा मस्तिष्क होगा वैसी ही दृष्टि होगी, जैसी सोच होगी वैसी ही दृष्टि होगी। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी सोच होगी समाज के लोग हमें वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आर विजन, प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आर विजन, हमारे मस्तिष्क की जो प्योरिटी पवित्रता है वही हमारे विजन, हमारी दृष्टि को, हमारे देखने के नजरिए को बनाती है। वर्ड्स वही हमारे शब्दों को बनाती है, एंड डीड्स और वही हमारे कार्यों को बनाती है, कैसा, प्योर पवित्र बनाती है। यानी मस्तिष्क की पवित्रता, विचारों की पवित्रता ये हमारी दृष्टि को, हमारे शब्दों को, हमारे कार्यों को पवित्र बनाती है। इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, इसके अंदर शक्ति भी होती है, किस काम की शक्ति, प्योरीफाई पीपल, प्योरीफाई का मतलब है पवित्र बनाना, यानी हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति लोगों को पवित्र बनाने की शक्ति भी रखती है। एक पवित्र व्यक्ति के संपर्क में अपवित्र व्यक्ति आता है तो वो भी पवित्र बनने लग जाता है, ऐसी उसके अंदर शक्ति आ जाती है। पुराने टाइम में लोग ऋषि मुनियों के पास जाते थे, जो सच्चे समाज के पथ प्रदर्शक साधु संत हुआ करते थे, उनके पास लोग जाते थे और जा करके अपनी बुराइयों को वहां पर त्याग देते थे। कारण होता था कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत पवित्रता भरी रहती है, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है, स्पिरिचुअल इफेक्ट, आध्यात्मिक प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। ईवल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में ईवल यानी जो बुराई है वो अपना स्थान नहीं रखती, नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, और ना ही यह है प्योरिटी या पवित्रता का मुकाबला कर सकती है। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे अंधेरा सूरज का मुकाबला नहीं कर सकता है, सूरज का सामना नहीं कर सकता है, वैसे ही जो ईवल है, बुराई है, वह पवित्रता के सामने नहीं टिक सकती है। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, यह मात्र पवित्रता में ही बदल जाती है। यानी अंधेरा अगर सूरज के सामने आएगा तो वो अंधेरा ही प्रकाशमय हो जाएगा,
और बुराई अगर पवित्रता के सामने आएगी तो बुराई खुद पवित्रता में बदल जाएगी, जिसको कहते हैं हम हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ द हार्ट। फूल्स, मूर्ख, हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। फूल्स या मूर्ख जो लोग होते हैं, जो कि कहीं लड़ने के लिए आते हैं लेकिन पवित्रता की उपस्थिति में वो प्रार्थना करने लग जाते हैं। मूर्ख लोग जो हंगामा करने आते हैं लेकिन वहां पवित्रता की उपस्थिति में वो प्रार्थना करने लग जाते हैं, यानी पवित्र कार्य करने लग जाते हैं। विलेंस, खलनायक जिनको हम कहते हैं, हु कम टू हार्म, जो हानि पहुंचाने आते हैं, स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। वो एडोरेशन का मतलब है शांति में खड़े हो जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में शांति में खड़े हो जाते हैं। विलेंस, खलनायक, जो हानि पहुंचाने के लिए आते हैं लेकिन वहां देखते हैं कि पवित्रता है व्यक्ति के अंदर तो वहां चुपचाप खड़े रह जाते हैं। मर्डरर्स, हत्यारे, बिकम वोटरीज, वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। पवित्रता की उपस्थिति में हत्यारे क्या बन जाते हैं? वोटरीज ऑफ पीस, शांति के दूत बन जाते हैं। बाबा हरि बाबा वॉज अ सेंट, बाबा हरि बाबा वॉज अ सेंट, वो एक संत थे। बाबा हरि बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वह पवित्र और निर्मल थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, वह बहुत ही सरल जीवन जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वह सोए हुए थे, अ थीफ एंटर्ड, एक चोर ने प्रवेश किया। हिज ड्वेलिंग प्लेस, उनके निवास स्थान पर एक चोर ने प्रवेश किया। एंड टुक अवे द वेशल्स, वह उस बर्तन को ले गया कंटेनिंग फूड, जिसमें भोजन था। बाबा हरी बाबा एक संत जो थे, उनके यहाँ एक बार चोर आ गया और चोर उनके उस बर्तन को ले गया जिसमें भोजन था, फूड था। द सेंट वोक अप, संत जाग गए। एंड सो द रनिंग थीफ, उन्होंने दौड़ते हुए चोर को देख लिया। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग टू वेसल्स, जल्दी ही उन्होंने बचे हुए जो टू वेसल्स थे, दो बर्तन थे बचे हुए, उनको उठा लिया। कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिनमें कि उबली हुई सब्जी रखी थी, एंड कर्ड और दही था। और रेन आफ्टर हिम, वो चोर के पीछे दौड़े, भोजन के एक पात्र को लेकर चोर दौड़ गया। लेकिन बाबा हरि बाबा ने बचे हुए दो भोजन के पात्र भी उठा लिए, एक सब्जी वाला और एक दही वाला पात्र, और उन पात्रों को उठाकर चोर के पीछे दौड़ने लगे। द थीफ स्टॉप्ड, चोर रुक गया। एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, संत उसके पास पहुंचे। विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, पूरे प्रेम की पूर्ण पवित्रता के साथ में, एंड सेड, उससे कहा, यानी बाबा उस चोर के पास प्रेम की पूर्ण पवित्रता के साथ पहुंचे थे और चोर से कहा, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त रहेगा, कम पड़ेगा तुम्हारे लिए भोजन एक पात्र का। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम इसे भी ले सकते हो, एक पात्र का भोजन। अब बताओ बाबा, उस चोर से कह रहे हैं अपनी पूर्ण पवित्रता के साथ में, पवित्र प्रेम के साथ में उससे कह रहे हैं कि बेटा ये भोजन तुम्हारे लिए कम पड़ेगा, इसलिए मैं ये दो पात्र भी ले आया हूँ, इनको भी ले लो, दही और सब्जी का, तो इसको भी ले लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठो और बिना किसी हरी के, बिना किसी जल्दी के से खाओ, या बैठ जाओ आराम से खाओ इसको।
थीफ वॉज वंडर स्ट्रक, चोर हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, उन स्नेहपूर्ण शब्दों से, ऑफ द प्योर सोल, पवित्र आत्मा के, यानी साधु जो पवित्र आत्मा थे उनके स्नेहपूर्ण शब्दों के द्वारा चोर हक्का बक्का रह गया। देयर वॉज अ चेंज इन हिम, उसमें एक परिवर्तन आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, संत के सामने उन्होंने पश्चाताप किया अपना। चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वह चेंज हो जाता है, संत के सामने अपने गुनाह कबूल करता है, पश्चाताप करता है विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, हृदय में पवित्र हुए बिना। इफ एनीवन इमिटेट्स द सेंट, या हृदय की पवित्रता धारण किए बिना यदि कोई व्यक्ति किसी संत को इमिटेट करता है, किसी संत को की नकल करता है, तो द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, परिणाम अलग होगा। द थीफ माइट ओनली गिव अ ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स, चोर माइट ओनली गिव अ ब्लो, केवल एक धक्का दे सकता था और पूरे के पूरे बर्तनों को ले जा सकता था। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, जो परीक्षण है, जेन्युइन का मतलब होता है असली, जेन्युइन यानी असली प्योरिटी है पवित्रता। मेटा मोर्फोजिंग इसका मतलब हुआ हृदय परिवर्तन कर देने वाली एबिलिटी है, योग्यता। तो द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामोर्फोजिंग एबिलिटी, असली पवित्रता का परीक्षण तो हृदय परिवर्तन करने की योग्यता में होता है। अब उस साधु बाबा के अंदर असली पवित्रता थी तो वो चोर का हृदय परिवर्तन कर पाए, ये है असली पवित्रता जो परिवर्तन ला सकती है। तो साथियों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन प्रॉपरली, दिस लेसन इज वेरी इंस्पायरिंग टू गिव अस पॉजिटिव थिंकिंग एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ इस लेसन को समझते रहिए, ये लेसन न केवल हमें परीक्षा में मार्क्स दिलाएगा बल्कि हमारे हृदय के स्तर को, हमारी सोच के स्तर को, हमारे पवित्रता के स्तर को बढ़ाएगा, जो जीवन जीने के लिए बेहद आवश्यक है। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है, सी यू इन पार्ट नंबर टू ऑफ द लेसन, मिलते हैं। आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और एक साथ हम चलते रहेंगे, यूं ही पढ़ाई लिखाई का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।